हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी या आम की फिरनी। तो इसके लिए मैंने ये बासमती चावल लिए है 2 टेबल स्पून, और इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में मैंने भिगो के रखा था। तो ये चावल जो है बासमती चावल लिए है और 1 घंटे के लिए इसे भिगो के ही लेना है। तो हमें भिगे हुए चावल चाहिए, और इलायची का पाउडर लिया है मैंने, और ये बादाम, पिस्ता, शक्कर, और ये मैंगो प्यूरी है। तो ये 2 आम की प्यूरी है, 2 छोटे आम जो है वो इसकी प्यूरी बना ली है मैंने। तो सबसे पहले जो है वो हम मिक्सी जार में इस चावल जो है भीगे हुए, तो हम इसे डाल के पीस लेंगे। और इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, थोड़ा दरदरा ही हम इसे रखेंगे। तो इसमें अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से हमें थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है। तो इसका बहुत ज़्यादा बारीक जो पेस्ट होता है वो हमें नहीं चाहिए। तो अभी ये तैयार हो चुका है। तो इसके लिए अभी मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है, और आधा लीटर दूध से अभी हम मैंगो फिरनी बनाएंगे। तो ये मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये दूध जो है वो अभी गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें हम जो हमने पीसे हुए चावल जो है वो इसमें हम डाल देते हैं, और अभी हम कम आँच पे इसे धीरे धीरे इस चावल को जो है पका लेंगे। तो अभी कम आँच पे आप इस दूध में इस चावल को डाल के धीरे धीरे इसे पकने दीजिए, और बीच बीच में इस चम्मच से आप इसको हिलाइए, क्योंकि ये चावल डालने के बाद ये थोड़े से तले में लग जाते हैं। तो देखिए, अभी ये गाढ़ा हो चुका है जो हमने चावल डाल दिए थे दूध में, तो ये अभी पूरे पक चुके हैं, और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ चुका है। तो अभी हम बाकी का जो हमने आम लिया था तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें अभी मैंने थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल दिया है, और आम का जो प्यूरी हमने बना के रखा था, तो 2 छोटे आम का प्यूरी इसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। और आम अच्छे वाले ही लीजिए, क्योंकि इसी का स्वाद इसमें आएगा, तो इसीलिए आम को जो है वो लेते समय अच्छे लीजिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्यूरी हम इसमें डाल के इसको हम हिला लेंगे। तो बहुत सारा पहले से ही आम इसमें मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिला के फिर थोड़ा सा आधा जो बच जाएगा उसको डाल के आप इसको मिला लीजिए। और पूरा चावल पकने के बाद ही इसमें आपको आम डालना है, पहले से आम इसमें मत डालिए, क्योंकि दूध है इसीलिए ये दूध जो है वो फट जाएगा। तो पूरा चावल पकने के बाद ही आम को डालिए। और ये फिरनी जो होती है बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। तो अभी हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर मैंने इसमें 3 चम्मच शक्कर डाल दी है, तो अपने अपने स्वादानुसार भी आप डाल सकते हैं। और आम जो हमने इसमें डाला था तो उसकी मिठास को ध्यान में रखते हुए इसमें आप शक्कर डाल दीजिए। तो आम को डालने के बाद या तो आप टेस्ट करके फिर शक्कर डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें शक्कर भी डाल दी है, और शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे बॉईल कर लेंगे, और बहुत ही फटाफट ये फिरनी बन जाती है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए, इतना हमें ये गाढ़ापन इसका चाहिए फिरनी का। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, और अगर गाढ़ा हो भी जाए तो इसमें थोड़ा सा आप दूध डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, या पतला हो जाए तो फिर इसको आपको थोड़ा सा गैस पे और थोड़ी देर के लिए रखना होगा। तो अभी ये मैंगो फिरनी जो है वो अभी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये जो मिट्टी की जो कटोरी होती है उसमें इसे डाल के दिया जाता है खाने के लिए, तो इसे भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, और इसे पूरा ठंडा करके फिर इसको खाया जाता है इस फिरनी को। तो इसे अभी निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, और ठंडा होने के बाद आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे इस कटोरी में निकाल लिया है, और बाकी की जो बची हुई थी तो इस दूसरी कटोरी में मैंने निकाल ली है। और ये अभी हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ता इसके ऊपर डाल के इसको सजा लेते हैं। तो देखिए, ये कितने फटाफट हमारी मैंगो फिरनी रेडी हो चुकी है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, और
ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसे बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर इसको खाया जाता है। तो ये हमारी मैंगो फिरनी रेडी हो चुकी है, तो इसे आप ज़रूर बना के देखिए।